नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत लोगों ने रॉयल एनफील्ड का वाइब्रेशन टेस्ट किया है, मैंने खुद रॉयल एनफील्ड का वाइब्रेशन टेस्ट किया कि हैंडल कैसा वाइब्रेट करता है, अगर आप सीट पे बैठेंगे तो कितना वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। और ये हमारे 125cc वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी है टीवीएस संविधान से, आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस रडर दे सकते हो। तो आज आपको हम इसका एक वाइब्रेशन टेस्ट सिखाने जा रहे हैं। हम इस पे लगभग कोशिश करेंगे एक गिलास यहाँ पे, एक गिलास यहाँ पे, एक गिलास यहाँ पे, और तीनों गिलास में पानी रहेगा। उसके बाद हम गाड़ी को एक्सलेट कर देंगे। इसमें आपको आरपीएम मीटर भी देखने को मिल जाता है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर भी देखने को मिल जाता है। तो हम जैसे गाड़ी को एक्सलेट करेंगे उसका यहाँ पे आपको आरपीएम भी दिखाएगा, जो कि आपको रॉयल एनफील्ड में चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट और कैसा कुछ गाड़ी वाइब्रेशन आपको प्रोवाइड करती है। 125cc गाड़ी, आपको पता है इनके बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पे 124cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 11.2 PS की मैक्स पावर 11.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। एक हमारी बहुत ही शानदार पेशकश है टीवीएस कंपनी तरफ से, बहुत अच्छा खासा इसने मार्केट रिस्पॉन्स पकड़ा हुआ है। ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो लगभग 1,20,000 गाड़ी ऑन रोड कॉस्टिंग कर रही है। तो ये देख सकते हैं पहला ग्लास हमने यहाँ पे रख दिया और ऐसा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे पानी लेवल। उसके बाद दूसरा ग्लास फाइनली देख सकते हो हमने अपना ग्लास सेट कर लिया है। एक अपना ग्लास यहाँ पे रहता है, अब वाटर लेवल देख सकते हो अच्छा खासा हमने भर दिया है। दूसरा ग्लास अपना यहाँ पे रहता है फ्रंट सीट पे, जो कि आपकी राइडर की सीट रहती है, और ये बैक जो अपना बैक पिलियन जो बैठता है। उसके बाद जो चौथा हमने ग्लास रखा इधर एग्जॉस्ट पे, इसको कैसे भी सेटल किया हुआ है। चलिए फिर अब बात करेंगे, तो चलिए अपनी गाड़ी को अभी स्टार्ट करके और दिखाते हैं आपको कैसा कुछ इस गाड़ी में रिस्पॉन्स मिलता है। इन चारों ग्लासों हमने सेट किया, इन चारों में से कौन सा पहला ग्लास गिरता है चलिए आपको हम भी दिखाते हैं। ये फर्स्ट टाइम है अपने चैनल पर और इस अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया टीवीएस रडर के साथ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी देखो तो कितना मस्त लग रहा है, एक लाइन से ग्लास जो सेट किया गया है बहुत ही बवाल चीज़ें लग रही है। आपको कैसा लग रहा आप लोग हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। बाकी चलिए फिर करते हैं इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट और दिखाते हैं कैसा कुछ गाड़ी वाइब्रेट आपको करती है और कितना कुछ वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑल सेट है, राजकुमार भी आ चुके हैं। अब चलिए फिर गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं वाइब्रेशन। अभी देख सकते हैं पानी बहुत नॉर्मल ही लगी, हवा थोड़ा चल रहा है, देख सकते हैं हवा थोड़ा सीधा चल रहा है। बाकी ये मेन रोड पे शूट कर रहे हैं, अंकल लोग भी थोड़ा घूर घूर के हमें देख रहे हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब करते हैं गाड़ी को सेल्फ मारते हैं। ये देखो अपनी गाड़ी न्यूट्रल पर लगी हुई है और सेल्फ चली गाड़ी को मारते हैं। देखिए सेल्फ मार दिया। अब ये देखो फ्रंट वाला जो अपने टैंक के ऊपर ग्लास है कितना कुछ वाइब्रेट कर रहा है। सीट पे देख सकते हो, बैक सीट पे देख सकते हो, और ये फाइनली गिर चुका है। एक ग्लास देख सकते हो, ये जो एग्जॉस्ट वाला था ये गिर चुका है, ऐसा कुछ रहता है ये गिर चुका है। अब उसके चलिए फिर अब हम बोलते थोड़ा एक्सलेट करें, उसके बाद एक्सलेशन के बाद देखते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। अब एक्सलेशन देखते हो तो बहुत नॉर्मल है, अभी 1-2 RPM पे है। राजकुमार भी थोड़ा एक्सलेट करिए गाड़ी को, ये देखिए एक्सलेट हो रही गाड़ी और ये वाइब्रेशन अभी थोड़ा थोड़ा है, करी करी करिए भाई, ये थोड़ा सा हिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका वाटर लेवल तगड़ा हिल रहा है। पीछे गिलास अभी भी स्टेबल है, ये तो सीट ऐसी है इसलिए ये हिल रहा है। बाकी टैंक वाला भी देख सकते हो अच्छा खासा हिल रहा है। और गाड़ी का वाइब्रेशन देख सकते हो, RPM देखो। तो अभी वाइब्रेशन लेवल गाड़ी चेक कर सकते हो, मतलब अभी तक तो सब स्टेबल बना हुआ है। और ये देखो ये हिलना स्टार्ट हुआ, अभी देखो ये गिरा और ये अब मुझे लग रहा है टैंक वाली पीला गिर सकती है टैंक वाले ग्लास। अब देखो एक नॉर्मल कॉन्स्टेंट स्पीड पर वाइब्रेशन हो रही है गाड़ी की। और इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये गिलास गिर गया फाइनली, एक दो गिलास कट हो चुके हैं, एक पहला अपना इधर गिर चुका है और उसके बाद दो अपनी सीट वाले बचे हुए हैं। चलिए फिर इन दोनों को दिखाते हैं। बाकी इधर जैसे तो पानी गिरना भी स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा इंजन से ऐसा धुआं भी निकल सकता है क्योंकि थोड़ा हीट मारेगा। अब ये दो गिलास अपने बचे हुए हैं, वाइब्रेशन देख सकते हो, तो देख सकते हो एक बार गिर गया एक बार। चलिए एक बार हाँ गाड़ी का RPM ले जाते हैं 7-8 तक, ये देखिए गाड़ी का RPM। तो फाइनली आपने देखा हमने RPM भी इसका अच्छा खासा ले गया, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है दोनों ही ग्लास में। तो ऐसा कुछ वाइब्रेशन टेस्ट रहता है आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस रडर का। ये दोनों ग्लासेस तो अभी भी स्टेबल है और लगभग अपने जगह पे दोनों अभी भी प्लेस हैं। तो सीट है थोड़ी कुशनिंग यहाँ पे अच्छी है, इसकी वजह से इस गाड़ी का ओवरऑल रिस्पॉन्स वो बहुत ही बेहतर निकल गया है। तो आपने वाइब्रेशन टेस्ट देख लिया, फ्रंट के दोनों ही सीट पर अपनी जो स्प्लिट सीट मिलती है तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन है। बाकी बैक वाला जो सीट है उतना भी नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हो जो हमने एग्जॉस्ट पर रखा था वो गिर गया अपना, उसके बाद हमने जो इधर रखा था टैंक पर रखा था वो भी गिर गया, दो गिलास अपने गिर गया, बहुत जल्दी वाइब्रेट कर रही थी गाड़ी इसलिए गिर गया। बाकी ऐसा कुछ होता है आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस रडर का वाइब्रेशन टेस्ट, लगा हमें 4 ग्लास रख के कर लिया। बाकी और भी हम टीवीएस रडर से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बाकी वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।